काहे पकड़ के लाया साहब? ये साहब के बहुत मुंह लगा है, आज इसकी तबीयत से तुड़ाई की जाए। कहा कर भैया तुम लोग? साहब बहुत कहा जरा ना कि पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं मिला। अब हम तुमको हमारा पूरा औजार ले लिए, एक सौ हजार बाकी वो भी ले लीजिए, एक सौ हजार बाकी नहीं। क्या कर रहे भैया? भाई हम तुमको बताते हैं, कपड़ा का उतार रहे भाई, कपड़ा का उतार रहे। पूरी का रस्सी साहब कैसे बनाते हैं? कपड़ा डंडे में तेल लगा ला है क्या? तेल ना लगा भैया, तेल ना लगा, तेल लगा। ये क्या कर रहे भैया तुम लोग? अरे जगह देखे मारो, जगह देखे मारो, जगह देखे मारो, जगह देखे मारो भैया। बोरा उल्हा के मार साहब, उसमें तो बकरी बकरा मूदते हैं। अरे बदबू आगे अच्छा लगे पिल्हाड़ दे तुम बंद कर, चालू अंदर बंद कर दे, बंद कर, बंद कर। साहब इतना मारा है कि अब ना बोलने के लायक बचा है, ना चलने के लायक बचा है, और हगने के लायक भी नहीं बचा। अब क्या करें? साहब बहुत बड़ा मुल्जिम हाथ लगा है। अरे साहब आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। मुल्जिम? कौन सा मुल्जिम? अब समझ में आया साहब कि चोरी राजनीति कैसे होती है। अरे वही करता है। कौन करता है? तो मार मार के हमने अंदर बंद कर दिया। बहुत भारी मुल्जिम है क्या? बहुत बड़ा मुल्जिम हाथ लगा। अरे तो लाओ कहाँ है? हाँ तुम्हारी तरक्की होगी, तुम्हारी भी तरक्की होगी, लेके आओ उसको। अभी हम लेके आ गए। अबे रंपत तुम? अरे साहब काहे का रंपत, अब तो सब संपदा लुट गई, इज्जतों नहीं बची, कहाँ कहाँ मारे हैं रे ददई, कैसे तो का दिखाई माई बाप। संतराम मार मार के बस आए तुम? अरे साहब ये जंगल रास्ते में जा रहा था, तो इसने हमें पेटी खोल के दिखाई, तो उसमें कैसी और छुरा निकला, तो हम भी समझ गए कि चोरी राजनी कैसे होती है। अरे जगह बेजगह मारे हैं, दिन में दाढ़ी बनाता है और रात में चोरी राजनी करता है। ठीक किया। अरे साहब ठीक किया, जगह बेजगह मारे हैं, आपको दिखा भी नहीं सकते हैं। अब तुम कानून की जद में आ गए? अरे कानून की जद में तो आ गए, ये लोग जो किया उसको कोनो जद नहीं लगा। साहब मार मार के हवाई जहाज बना दिया है। ठीक किया तुमने, अब तुम कानून से बच नहीं सकते। अरे साहब हम आपकी दाढ़ी बनाते हैं, सेवा करते हैं साहब, हम ऐसा कौन सा जुर्म किए साहब जो हमका मार मार के हवाई जहाज बनाए हैं? तुम हमारी दाढ़ी बनाते हो, हम तुम्हें पैसा देते हैं। हाँ साहब। फिर साहब बाल बच्चेदार मनाई है। तुम बचोगे नहीं? अरे साहब बाल बच्चेदार आती है, हमारे मेहरारू का क्या होई साहब? तुम्हारी मेहरारू क्या होगा, अभी हम क्या जाने? अरे साहब कुछ रास्ता निकालो साहब। अरे बक्से में कोई औजार निकला है? अरे साहब वो दाढ़ी बनाने का औजार था साहब। अच्छा? हाँ साहब वो दाढ़ी बनाने का औजार है, और कभी मौका लगे तो हाथ काट दे तो गला काट दो। नहीं साहब। अरे साहब क्या कर रहे हैं आप? हम सही कर रहे हैं, अब तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं है। साहब कोई रास्ता निकालिए ना साहब। साहब इसका नाम जीडीएम चढ़ा दिया है, कोई सवारी मिले तो इसको जेल भेजें। सवारी पकड़ लो कोई भी और इसको जला कर काट दो। कौन कौन सी तैयारी कर दिए भैया, जेलों भेज रहे, उद्घाटन कर दिए, कहाँ करेंगे हो आप लोग? साहब आप जेल न भेजिए, फिर यहाँ तो दुइये सिपाही थे, वहाँ तो 50-60 मुलजिम होंगे, मार उद्घाटन कर दिए। हम नहीं जानते, हमारे जो काम है वही करेंगे। ठीक है साहब।
तुम्हारे बचने का एक ही चांस है बस। कौन सा है? अगर तुम 10,000 रुपए का इंतजाम कर लो तो तुम बच सकते हो। अरे साहब, हम गरीब मने ही नाऊ जात के हैं, दाढ़ी बना के चवनिया ठन्नी मिलती है, उसे दाल चावल ला के बाल बच्चों को पाल रहे हैं, हम 10,000 रुपया कहाँ से लाएंगे साहब? तो फिर तुम नहीं बचोगे, तुम्हारी चार्जशीट भर दी है, तुम्हें भी जिला कारागार जाओ। अरे साहब, जेल न भेजो साहब। भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूँ साहब? आप सब कुछ कर सकते हैं साहब। नहीं नहीं भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तुम कानून के जद में आ गए। साहब 10,000 रुपये हम कहाँ से लाएंगे? मैं कुछ नहीं जानता, रंपत तुम्हें लाने ही पड़ेंगे 10,000 रुपये। साहब एक काम करो, अपने जिम्मेदारी पे हमको 2 घंटा के लिए छोड़ दीजिए साहब, तुम कहूँ से व्यवस्था करी जाके। हाँ ये बात तुमने कही है तो ठीक है, अगर तुम 2 घंटे में वापस आ जाओ तो मैं अपनी जिम्मेदारी पर तुमको छोड़ सकता हूँ। ठीक है साहब, ठीक है साहब, लेकिन 2 घंटे में आ जाना। हाँ साहब आ जाएंगे, कहाँ फंस गए मुसीबत में, ले जाओ कि दाढ़ी के पैसा ना मांगते ना मुसीबत आती। अरे तो कहता हूँ जा रहे साहब, साहब जा रहे साहब। समझ गए ना? हाँ समझ गए साहब। जा रहे साहब, जाओ आप समझाओ साहब, जाओ।